नमस्कार, मानस मिश्र वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, तब एक सबसे बड़ा जो देश के लिए खतरा था, उस खतरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जनता को बताया, वो था परिवारवाद। और वो परिवारवाद जिसके लेकर 2014 से लेकर अब तक लगभग जितने भी राज्य हैं, चाहे नेशनल पॉलिटिक्स हो चाहे वो राज्यों की पॉलिटिक्स हो, हर जगह पर ये नेस्तनाबूद हुआ। चाहे वो हम बात करते हैं केंद्र में राहुल गांधी और राजीव गांधी, गांधी परिवार, और बात करते हैं लालू प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी, या साउथ में आते हैं, हर जगह ये परिवारवाद की राजनीति को ध्वस्त हो गया है। लेकिन इन सबके बीच में एक सबसे बड़ा खतरा और देश पर मंडरा रहा है, जो खतरा है कलेजियम सिस्टम का। यह मैं नहीं कहना हूं, आज आपके सामने जो रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं, आज आपके होश उड़ जाएंगे। पूरी वीडियो देखेगा आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये पूरा खेल क्या है। कलेजियम सिस्टम पर ये रिपोर्ट आपके होश उड़ा देगी। और एक लाइन से शुरुआत करूंगा, मैं तेरे बेटे को जज बनाता हूं, तुम मेरे बेटे को जज बना देना, यही देश के कलेजियम सिस्टम की पद्धति है, इसे समाप्त करना है। बीते लंबे वक्त से यह बहस समय समय पर उठती रहती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज चुने जाने की प्रक्रिया में भयंकर भाई भतीजावाद है। मैं आपको आगे इसमें पूरी लिस्ट दिखाऊंगा और बताऊंगा आपको कि आखिरकार इस भाई भतीजावाद में कौन किसका किस तरह से, यहां पर जो चीजें चल रही हैं वो किस तरह से चल रही हैं। आपको बता दें, इन सबके बीच में जिसे न्यायपालिका में अंकल कल्चर कहा जाता है, जी हाँ, भाई भतीजावाद को अंकल कल्चर कहा जाते हैं, यानी ऐसे लोग जो जज चुने जाने की संभावना जिनकी ज्यादा होती है, जिनकी जान पहचान के लोगों को पहले से ही न्यायपालिका में ऊंचे पद पर है। इसका सबसे अनूठा उदाहरण भी हम आपको देना चाहते हैं, जो डीवाई चंद्रचूड़ है। डीवाई चंद्रचूड़ के पिता खुद भी देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। आगे और चीजें खुलकर आएंगे, थोड़ा सा अभी रुकिए, आगे बढ़ते हैं। कलेजियम सिस्टम भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम जजों में से एक समूह है। ये पांच लोग मिलकर तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज होगा। ये नियुक्तियां हाई कोर्ट से की जाती हैं और सीधे तौर पर किसी अनुभवी वकील में को भी हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है। आपको इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, हर एक फ़ोन तक पहुंचा दीजिए। और दिए गए नंबरों पर अगर आप हमें सहायता राशि भेजना चाहते हैं तो दिए गए यूपीआई नंबर पर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आप हमें सहायता राशि भेज सकते हैं। हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति भी कलेजियम सिस्टम की सलाह से होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्य के राज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। कलेजियम बहुत पुराना सिस्टम नहीं है और इसके अस्तित्व में आने के लिए सुप्रीम कोर्ट के तीन फैसले जिम्मेदार हैं। जजेस केस के नाम से जाना जाता है। 90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट की दो संविधान पीठों के फैसले से सीजीआई की अगुवाई वाले कलेजियम सिस्टम की बुनियाद पड़ी। इसका उद्देश्य मेरिट के आधार पर जजों की नियुक्ति करना, जिसमें वरिष्ठता का भी ध्यान रखा जाए, जो क्षेत्र और समुदाय के आधार पर प्रतिनिधित्व में संतुलन सुनिश्चित कर सके। कलेजियम में सीजीआई के अलावा सुप्रीम कोर्ट के चार सबसे वरिष्ठ जज होते हैं। क्षेत्रीय संतुलन का लक्ष्य बमुश्किल ही काफी हासिल हो पाया, क्योंकि लंबे वक्त तक कई हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व रहा वो नहीं रहा, यानी उनका हाई कोर्ट्स का कोई भी जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट नहीं हुआ। ऐसे हाई कोर्ट के मेहनती, प्रतिभावान और वरिष्ठ जज तमाम राज्यों की जुडिशरी का नेतृत्व करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने का इंतजार ही करते हैं। उन्हें कलेजियम सिस्टम से मंजूरी नींद नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में समुदाय आधारित संतुलन भी कभी हासिल नहीं हो पाया है। अभी भी स्थिति देख लीजिए, कलेजियम सिस्टम के तमाम आलोचक और यहाँ तक कि न्यायपालिका से जुड़े लोग भी इसे एक अपारदर्शी सिस्टम बताते हैं, जो आमतौर पर आप मेरी पीठ सहलाओ मैं आपकी पीठ सहलाऊंगा तक की तर्ज पर काम करता है। आलोचक आरोप लगाते हैं कि हायर जुडिशरी में जजों की नियुक्ति के वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि कैंडिडेट के बाप दादा क्या थे, जजों के बेटों की तरजीह मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों में जो है जस्टिस सी टी रवि कुमार का मामला थोड़ा हटकर है। उनके पिता केरल के चंगानसरी के ट्रायल कोर्ट में एक बेंच क्लर्क थे। सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा 27 जजों में पहली पीढ़ी के कई वकील हैं। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड जजों की बायोडाटा के मुताबिक फर्स्ट जनरेशन में के जो वकील जज बने हैं उनमें जस्टिस नजीर, सूर्यकांत,
ए बोस और ए एस बोपन्ना, कृष्ण मुरारी, एस आर भट्ट, वी आर रामा सुब्रमण्यम, ऋषिकेश राय, जे के महेश्वरी, हिमा कोहली और जस्टिस एम एम सुंदरेश शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के मौजूद 6 जजों में जज ऐसे हैं जिनके पिता या तो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के पिता वाई डी चंद्रचूड़ भारत के 16वें सीजीआई थे। जस्टिस के एम जोसेफ के पिता के मैथ्यू 1971 से 1976 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना के पिता दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। उनके चाचा जस्टिस एच आर खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज थे। वहीं जस्टिस खन्ना की बात करें, जिसने इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तानाशाही का विरोध करने के लिए सीजीआई नहीं बनाया गया। जस्टिस बीबी नागरत्ता, जो कि 2027 में 36 दिनों के लिए पहली महिला सीजीआई बनेंगी, के पिता ई एस वेंकटरैया सीजीआई रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपने 10 साल के कार्यकाल में वह 6 महीने तक सीजीआई रहे। जस्टिस पी एस नरसिम्हा और सुधांशु धुलिया के पिता भी हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। अभी आगे और बताते हैं, लेकिन यहां बीच में आपको रोकना चाहूंगा और विश्लेषण करना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जो देश के लिए किया, कहते हैं लोग, कहते हैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, कांग्रेस ने देश के लिए एक चवन्नी तक नहीं किया। जो कांग्रेस ने देश को एक तिरंगा दिया, उस तिरंगे में एक अशोक चक्र था, लेकिन आखिरकार उस तिरंगे को भी छीन लिया उस कांग्रेस ने। क्योंकि कांग्रेस को हमेशा देश को कुछ देना नहीं, देश से छीनना ही चाहिए। उस तिरंगे को भी एक तरह से छीन करके, उस अशोक चक्र को छीन करके अपना हाथ का पंजा लगा दिया और बता दिया कि यही हाथ है, इसी के भरोसे आशीर्वाद देते हो पर देश पर, इसी की छत्र छाया में तुम रहोगे। ये कांग्रेस का सच है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को साफ तौर पर इस तरह का सिस्टम बनाया है कि अगर सरकार रहे या न रहे, सिस्टम हमारा रहेगा। और ये कलेजियस सिस्टम उसी सिस्टम का सबसे बड़ा अनूठा उदाहरण है। अंग्रेजों की पैदाइश अंग्रेजी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी 1888 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित, ए ह्यूम द्वारा स्थापित एक पार्टी, जिसे ऐसा डील करने के लिए लोग कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। एक भल्लन टाप वाले आजकल जो आज तक के साथ जुड़े हुए हैं, तक वालों के साथ, भल्लन टाप वाले कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। और ये खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पैदाइश है। ये भल्लन टाप वाले, ये सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पैदाइश है। देश के खिलाफ जहर बोने का काम ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम पर ये भल्लन टाप वाले कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए। और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं है। और ऐसे भल्लन टाप वाले कभी भी इस चीज को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनको तो देश को, देश नहीं, राष्ट्र नहीं, उन्हें तो सिर्फ दिखता है कि हिंदुस्तान से किस तरह से पैसा लूटा जाए और किस तरह से अपने आप को नंबर वन बनाया जाए, हिंदुस्तान जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में। इस तरह के जो मानसिकता रखते हैं वो आगे देश को कभी नहीं ले जा सकते। आगे बढ़ते हैं। और कांग्रेस इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि वहां पर एक कहा जाता है कि कांग्रेस ने क्या किया, नेहरू ने बहुत कुछ किया, आप क्या जानते हैं, नेहरू ने आईएम बनाए, नेहरू ने ये बनाए, नेहरू ने वो बनाए। मैं आपको एक चैलेंज देकर कहता हूं कि अगर विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको रोका नहीं जा सकता है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको गति दी जा सकती है, जिसे तेजी से गति दी जा सकती है या उसे धीरे किया जा सकता है, तो ये विकास प्रक्रिया है। इंसान जब पैदा हुआ है तो खुद वो दो वक्त की रोटी के लिए कहीं ना कहीं जाएगा, जानवर भी दो वक्त की रोटी के लिए आगे बढ़ता है। ऐसे में कांग्रेस ये कहेगा कि 1947 में देश आजाद हुआ और कांग्रेस ने यह सब कुछ किया, तो ये कांग्रेस की भूल है। और जो लोग उसके तरफदारी करते हैं कि कांग्रेस ने ये दिया वो दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, ये विकास की निरंतर प्रक्रिया थी जो चल रही थी, और उस प्रक्रिया के तहत हिंदुस्तान या जो मानव समाज है वो अपने आप को विकसित करता गया। और कांग्रेस की देन कहने वालों को ये करारा तमाचा है वीडियो। आगे बढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम की तरफ, ट्रायल कोर्ट की बात अब आगे तरफ बढ़ते हैं, जहां ट्रायल कोर्ट के जज ने से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाली जस्टिस बेला त्रिवेदी की बात करते हैं। उनके पिता अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज थे। बेला त्रिवेदी जब सिविल जज नियुक्त हुई तब उनके पिता भी वही पर जज थे। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज ऐसे हैं जिसके पिता मशहूर वकील रह चुके हैं। जस्टिस एस आर शाह, ए रस्तोगी, दिनेश महेश्वरी, ए एस ओका, विक्रमनाथ और जे बी पारदीवाल के पिता जाने माने वकील रहे हैं।
जस्टिस किशन कौल के पूर्वज कश्मीर के राज दरबार के ऊंचे पदों पर काम करते थे। जस्टिस बी आर गवई के पिता एस आर गवई एक जाने मारे नेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे जो बिहार और केरल के गवर्नर पद पर भी रहे हैं। जस्टिस एस एस बोपन्ना के पिता भी कर्नाटक के जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। अब समझिए, ये लोग जब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, जज हैं, और ये फैसले लेते हैं, एक सेकंड में नेताओं के फैसले दे देते हैं। नेताओं को अगर हल्का सा कुछ खरोच तक आता है तो इनको बड़ा दर्द होता है। अभी हाल का मामला आपने देखा कि किस तरह से गुजरात दंगों को लेकर के किस तरह से एक महिला को, उस महिला को जो पूरी तरह से संलिप्त थी देश के लिए, उसको किस तरह से शाम को 6 बजे वह पहुंचती है, और तीसरा सीतावार की बात कर रहा हूँ, शाम को 6 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, एक बेंच बैठती है, वो फैसला नहीं दे पाती है, 7:30 लोग फैसला नहीं दे पाती है, और 9 बजे दोबारा से बैठ जाता है तीसरा सीतावार के लिए एक अलग बेंच बैठ जाता है, और 10 बजे रात तक फैसला ले लिया जाता है। आप समझते हैं यूं ही ये फैसले होते हैं, और फैसला किस बात का था? तीसरा सीतलवाड को फांसी नहीं होनी थी, तीसरा सीतलवाड पे के जो गिरफ्तारी को लेकर के वहां पर फैसला होना था। अगर गिरफ्तारी हो जाती तो मिलावट क्या आसमान टूट जाता। ये परिवारवाद के, और ये वही कि हमने आपका नमक खाया हुजूर, और उस नमक के जो कर्ज है वो अदा तो करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के दौरान वरिष्ठता को नजरअंदाज किए जाने के तमाम उदाहरण सामने आए हैं। सबसे पहले हालिया उदाहरण जस्टिस धुलिया और पर्दावाला का है, पर्दीवाला का है। जस्टिस धुलिया को हाई कोर्ट में 23 चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस और 6 एससी जजों पर तरहीज देते हुए सुप्रीम कोर्ट को जज बनाया गया। इसी तरह जस्टिस पर्दीवाला को भी सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के अलावा हाई कोर्ट के 25 अन्य जजों के ऊपर तरजीह देते हुए सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। मैंने आपको पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। आखिरकार एक सवाल आपसे फिर से पूछूंगा, और सवाल यह है कि क्या एक आईएएस का बेटा आईएएस हो जाता है? ऐसा है? और एक बात बताऊं ना, आईएएस होना, क्योंकि आईएएस का सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सिलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सिलेक्शन एक जटिल प्रक्रिया के तहत जा रहा है। तो ये प्रक्रिया, क्योंकि इस प्रक्रिया में कुछ इस तरह से नहीं है कि एग्जाम पास करके वहां पर पहुंचा जाए, ये है एक प्रक्रिया के तहत आप यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे, फिर अगले टॉप कोर्ट में जाओगे, फिर आगे जाओगे, फिर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाओगे। तो ये खेल जो चल रहा है कलेजियम सिस्टम का, हमें लगता है मोदी सरकार के भी हाल ही में जो मंत्री किरण रिजिजू, जो अभी हाल ही में अपने पद से हटाए गए हैं, उन्होंने साफ तौर पर खुले मंच से इस बात को बोला था कलेजियम सिस्टम को लेकर के, और कलेजियम सिस्टम को हिंदुस्तान के न्यायपालिका का सबसे खतरनाक और सबसे घातक चीज है। हमें लगता है इस सिस्टम को, कलेजियम सिस्टम को हटाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेज जो हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए, देश के विकास के लिए जिस तरह से लोकतंत्र अगर है, लोकतंत्र का में कलेजियम सिस्टम को भी इम्प्रूव किया जाना चाहिए। कैसे किया जाना चाहिए इस पर सोच का विषय है, और ये विषय जो है इस पर गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमेशा तल्ख टिप्पणी करते हैं लेकिन कभी भी इस बात को लेकर तल्ख टिप्पणी नहीं आती कि आपके कोर्ट में इतने जजेज, इतने केस पेंडिंग हैं, उसको लेकर के आपने कौन सी इतनी बड़ी ऐसी चीज़ें की जिससे वो केसेस पेंडिंग में ना रह जाएं? कौन सी ऐसी निर्णय लिए जा रहे हैं? उन निर्णयों को लेकर के भी करना चाहिए, खुद संज्ञान में लेना चाहिए माननीय को कि हाँ, ये जो पेंडिंग केस है उस पर मैं नाराजगी जताता हूँ, और अगर 10 बार नाराजगी दिखाएंगे तो साहब आप तो 370 को ख़त्म करने, आप आतंकवादियों को लिए रात को फांसी के लिए रात को कोर्ट खोल देते हो, आप तीसरा सीतलवाड़ के लिए 2 घंटे के लिए 3-3 बार बैठा करके वहाँ फैसले ले लेते हो, आपके पास तो पूरा पावर है, आप चाहो तो सिस्टम को इस तरह से कर दो कि सिस्टम सुधर जाए। देश को अगर आगे ले जाना है तो ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम को ही सुधारना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम हमारा है, सरकारें आती रहें जाती रहें, सिस्टम हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद।